यहाँ आगे और गाड़ी उस टाइम थी भाई 110-120। बहुत फर्क है भाई सर, बहुत फर्क है। अब आपको ना गैप दिखाते, जो 17 इंच में गैप कितना था मिनिमम मान के चलो यार, 1.25 इंच ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का बढ़ गया। हेलो जी, वेलकम बैक टू चैनल, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई हम एंजॉय कर रहे हैं नई नई ताजी ताजी स्कॉर्पियो एन के अंदर, टैंक फुल करा लिया है, लेकिन हमारे को पता नहीं है कि गाड़ी के अंदर तेल कितना है। वैसे तो 47-48 रुपए का आया था, 52 लीटर के राउंड डला था ना, हाँ, पर हमारे को मीटर में नहीं पता है क्योंकि हम अपना ज्यादा शाणे बन रहे थे। हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट पहले दिन करा के जा रहे थे कि इसका सॉफ्टवेयर हमने इसका बीच में कर दिया। कहाँ वो मैच का मुजरिम रहा, मैं तो था नहीं ना मेरे जाते ही। और इस गाड़ी के अंदर भाई हमारे को अलॉय व्हील्स नहीं मिले हैं क्योंकि ये है भाई Z8, और Z8 भी कुछ सोच समझ के लिया था भाई कि जो हमारे को रिक्वायरमेंट के फीचर्स चाहिए थे वो हमारे को इसमें मिल रहे थे, और अलॉयज और टायर हमारे को अपनी पसंद के डालने थे, तो वही डलवाने के लिए हम निकले हैं। ये सारा तामझाम जो हुआ ना इसका सॉफ्टवेयर अपडेट का, ये आपको लास्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। हम मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी डिलीवरी ऐसी हुई है कि जिसमें हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही नहीं चल रहा है। वाह बहुत बढ़िया, नई गाड़ी देते। और स्माइल देखो भाई के चेहरे में, कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चला था ना चलने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ भाई मैं, और ऑलमोस्ट मेरे को 20 किलोमीटर तो हो गए चलाते हुए। भाई गाड़ी पूरी स्पीड से सही खेच रखी है, लेकिन भाई अभी ना फुल टेस्ट ड्राइव हो गई थी गाड़ी की। कैसा लगा था? भाई हम क्या करे, भाई गाड़ी ऐसी चल रही थी, मैंने डिपर दिया, जैसे वो बंदा वहां खड़ा है वहां से बाइक निकल के आई, और भाई बिल्कुल जहाँ इस टाइम ये पिकअप जा रहे ना यहाँ आगे, और गाड़ी उस टाइम थी भाई 110-120। खैर इसमें हमारे को मीटर नहीं दिख रहा, लेकिन पीछे हमने ना साथ साथ वो मैप खोल रखा, उसमें भाई स्पीड लगातार चेक करा, हम गाड़ी को चेक कर रहे। भाई बाइक वाला बिल्कुल रोड पे ले आया, और भाई अगर मैं एक बार राइट काट के लेफ्ट नहीं काटता ना तो आज वो तीनों छोरे शहीद हो जाते नई स्कॉर्पियो के नाम पे। और तीन बंदे थे भाई, ऐसे मत करा करो यार, एकदम से आप सर्विस लेन से मेन लेन पे आते हो ना तो थोड़ा रुक के देख के आया करो। और आगे स्पीड से ले आया, उसको दिख भी रहा है स्पीड में गाड़ी है। हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, डिपर मारे मैंने दबा के, हॉर्न भी दिए, पर भाई गाड़ी की स्टेबिलिटी जबरदस्त चेक होगी। अभी तो खाली 17 इंच, इसमें 120 की स्पीड में खड़े ब्रेक लिए थे मैंने राइट और फिर लेफ्ट, इनसे बाहर नहीं गई गाड़ी, नहीं गई। ये चीज है भाई, बस वही है, डैश कैम नहीं था अभी गाड़ी के अंदर, तो भाई नहीं तो रिकॉर्डिंग आपको दिखाते। जो कट लगा था ना भाई पूरा यहाँ से जोर तो पड़ता है भाई गाड़ी का, मतलब देखो इधर भी है, जबरदस्त कट मारा था, राइट एकदम काटी मैंने और फिर लेफ्ट ली, राइट लूंगा तो मैं बाइक वाला थोड़ा उधर चलेगा तो पीछे से रास्ता मिलेगा तो निकल जाऊंगा, नहीं तो आज भाई कमाल ही हो जाता, ऐसे कमाल नहीं होने देंगे हम, बेमिसाल हैं, ऐसे नहीं होने देंगे। तो भाई फटाफट इन टायर्स को उतरवा देते हैं एंड फटाफट अंदर चलते हैं, इसके लिए सिलेक्शन करते हैं, एंड भाई टायर्स का सिलेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अलॉयज हम ऑलरेडी अपने साथ लेके आए हैं, अर्जुन के पास भी भाई अवेलेबल है ये वाले अलॉयज जो हम इसके अंदर डलवाएंगे। तो फिर आप कहते हैं ना भाई यार आप ना कंपनी का अलॉयज नहीं डलवाते, भाई कंपनी का अलॉयज भी हम डलवाते हैं, 17 इंच डलवाते हैं, 18 डलवाते हैं। अब इस गाड़ी के अंदर जो टायर्स है भाई वो 245/65 R17 जो अपनी Z4 के अंदर आया था स्कॉर्पियो के अंदर, सेम वही वाला टायर साइज है, लेकिन अभी इसकी देखो ग्राउंड क्लियरेंस में काफ़ी फर्क है, दबी दबी सी लगती है ना गाड़ी, मतलब इतनी ठाडी गाड़ी यार इन छोटे से टायरों में कितनी बच्ची सी लगती है। एक बार इसी ग्राउंड क्लियरेंस से नापो, एक बार आप हाथ लगाओ देखेंगे 18 इंच से टायर साइज चेंज से कितना फर्क आएगा। अरे मैंने तो बता ही दिया कि हम 18 इंच डाल रहे हैं एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे। हाँ ए इतना आ रहा है ना, एक हाथ एक उंगली आ रहा है ना, ए सेम इसी पे लोकेशन पे, लोकेशन ए हाँ ये वाली, हाँ एक हाथ एक उंगली, ठीक है भाई ये चेक कर लिया हमने। अब जब इसके टायर दोनों चेंज होंगे फिर चेक करेंगे कि ग्राउंड क्लियरेंस में कितना फर्क आता है 17 से 18 में। अर्जुन भाई सागर अलाउ साहब आ जाओ यार है, अरे ठीक है भाई अर्जुन बढ़िया, पसंद करे नहीं है अलॉयज की अनबॉक्सिंग पहले कर दी राजू ने, खींच दिया मीटर है। अरे पुराने चेक तो कर लिया उसमें, सेंसर तो नहीं है, TPMS ना हो ले भाई साहब, नलकी नुड़की सब कंप्लीट कर दिया। चलो कोई नहीं भाई, एक बार टायर उतरेंगे ना जब एक बार चेक करूंगा, फिर भी उनमें ना मिले तेरी दोबारा मेहनत लगेगी। तो भाई अब फिट होने जा रहा है भाई अपना टायर अलॉय, तो आपको पता ही है हमने 18 इंच लेके आए थे भाई एजेंसी से, एंड टायर हमने यही वाला सिलेक्ट किया। अब टायर हमारे को ऐसा चाहिए था जो हर टेरेन पे चले तो सबसे बेस्ट आता है, ऑल टेरेन,
अब ये 18 इंच मैंने इस बार क्यों चूज़ किया है और टायर ये क्यों चूज़ किया है, इस बार हमने इसमें 20 इंच क्यों नहीं डलवाए, क्योंकि यही होता है ना कि जब हम कंपनी का अलॉयज नहीं लेते, वो वेरिएंट नहीं लेते, तो हम कोई दूसरा टायर साइज डलवाते हैं। लेकिन भाई स्पेशल पर्पज़ होता है एक हर चीज़ का कि किस टाइम पर कौन सा डलना चाहिए और कहाँ गाड़ी चलेगी मोस्टली, तो वो चीज़ डिपेंड करती है। तो ये हो रहा है भाई, यहाँ पर टायर बैलेंस, अब ये ऊपर नीचे वेट बताएगा कि यहाँ कितना लगेगा और नीचे कितना लगेगा। देखो ऐसा है ना, गाड़ी के टायर बैलेंस आपको ना कराने चाहिए हर 10,000 किलोमीटर पे। इसमें नीचे कोई वेट नहीं मांगा, ऊपर खाली 40 ग्राम वेट मांग रहा है। अगर आपकी गाड़ी के टायर बैलेंस नहीं है ना भाई, तो आपकी गाड़ी बबलिंग करेगी। जैसे ही आप हाई स्पीड पर जाएंगे 80 क्रॉस करते ना, ऐसे 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 करेगा। और अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट आउट होगी तो फिर आपकी जो गाड़ी है थोड़ी लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, और जिस साइड की लाइन आउट होगी, हम जो टायर की किनारी होती है ना, ये वाला जो पार्ट होता है, साइड से खा जाएगी या दूसरे या दूसरी साइड से खा जाएगी। वही है, हर 10,000 के ऊपर अलाइनमेंट बैलेंसिंग प्रॉपर कराने, और अलाइनमेंट हर 5,000 किलोमीटर। और अगर आप ज़्यादा कच्चे पक्के कर दो, आपका रेगुलर चेक खराब होगा। भाई ने अभी 40 ग्राम लगाया, अब इसने 10-10 मांग लिया ऊपर नीचे, तो भाई इसमें थोड़ा वेट कम कर देगा फिर है। तो ज़रूरी नहीं होता भाई कि एक्स्ट्रा वेट बढ़ाने से ही बैलेंस होता है, तो भाई अभी इसका ना वेट कम कर रहे हैं, अब दोबारा घुमाएगा। लो भाई 10 ग्राम ऊपर से कुछ घटाया और नीचे 10 ग्राम लगाया, मतलब अंदर वाली साइड पे 0-0 हो गया, परफेक्ट। एंड भाई यहाँ पे चेक कर लेते हैं अपने पुराने वाले जो रिम थे उसके अंदर सेंसर हमारे को मिला या नहीं मिला, तो एक बार भाई इसको खोल के चेक करके दिखाएगा। ले भाई दबा इसने, देखेंगे इसमें है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, नहीं है भाई, TPMS नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं। भाई लोग अपनी गाड़ी में डल गए हैं। अब आपको ना गैप दिखाते हैं, जो 17 इंच में गैप कितना था, सेम उसी जगह पे ही गाड़ी खड़ी है। उस टाइम भाई फ़र्क था एक उंगली, मतलब एक आंगल और एक उंगली थी, अब तीन हो गई, यानी इतना हमारा ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया भाई अपने गाड़ी का। अब ये देख लो कितना हो गया, ये तो वो हो गया लगभग आपका 2 इंच नहीं कह सकते इसको, पर 1.5 इंच तो आराम से बढ़ गया, मिनिमम मान के चलो यार 1.25 इंच ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का बढ़ गया। और आज आप कहोगे आए विक्रम भाई आपने कोई कंपैरिजन नहीं दिखाया, सीधा आप अपनी पसंद से अलॉय लेके आए, तो भाई ऐसा है ये गाड़ी नॉर्मली चलेगी भाई हिमाचल में, और भाई वहाँ पे आपको पता है कभी रास्ते होते हैं कभी रास्ते नहीं होते हैं, एंड भाई मोस्टली लेह लद्दाख वाले रूट पर जाता ही रहता है, तो बस वही बात है। इसके लिए भाई इसके ना 18 इंच से ऊपर हमारे को अलॉयज नहीं डालने थे, पहले यही फाइनल हुआ था कि हम इसके अंदर ना 17 इंच के अलॉयज डालेंगे और जो टायर है वही अभी रख लेंगे, फिर बाद में जो टायर घिसेंगे तब उसके अंदर बड़ा टायर साइज हम डालेंगे। लेकिन फिर यही लास्ट में सेलेक्ट हुआ कि यार 17 वाले तो थोड़े छोटे लग रहे हैं, यार 18 तो डाल ही देते हैं, 18 तो कंपनी भी दे रही है, तो फिर इसके लिए भाई हमने 18 इंच के अलॉयज वहीं अपना कंपनी से ले लेते। यहाँ अर्जुन के पास भी अवेलेबल है पर थोड़ा सा सस्ते हमारे को यहाँ मिल जाते, पर हमने भाई वहाँ से ले लिए थे। और गुड़गांव में हमारे को भाई इस कार रिप्लेसमेंट सस्ता नहीं पड़ रहा था, इसीलिए मैं अर्जुन के पास आया था कि जो हमारे पुराने टायर होते हैं ना वो अर्जुन अच्छे रेट में ले लेते हैं। जैसे गाड़ी जब हमने शोरूम से ली, लेते हम ले आए, और जो नया टायर है उसका रेट भी हमारे को बहुत सही मिल गया। हालांकि कितना हुआ है पिछली बार के हिसाब से बता रहा हूँ नंबर, तो अभी अंदर चलेंगे अर्जुन से हिसाब किताब करेंगे भाई पुराना कितने का लिया और नया हमारे को कितने का पड़ा। और ये टायर तो भाई ट्राइड एंड टेस्टेड है, अनमोल भाई की गाड़ी भाई दिल्ली से लंदन चलेगी, खैर वहाँ पे ऐसे टेरेंस नहीं आए थे जिस टेरेंस पे गाड़ी चलेगी, पर ये टायर भाई ओल्ड टायर बहुत ही बढ़िया टायर है। हाईवे पे इसमें ज़्यादा गूंज भी नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपर ज़्यादा हार्ड रबड़ वाला टायर डलवाए थे ना ओल्ड टेरेन में, वही फिर हाईवे के ऊपर आपको गूंज देता है, गूंज की आवाज़ रहती है ज़्यादा मोटी गुड्डी वाले जब हम उसके अंदर टायर डलवा देते हैं, तो ये आपका ऑन रोड एंड ऑफ रोड दोनों में परफेक्ट काम करेगा। तो भाई हम भाई टेस्ट ड्राइव ले रहे थे अर्जुन के साथ, वैसे तो भाई हमने चेक कर रखा है टायर कहीं भी टच नहीं होता, लेकिन फिर भी भाई एक बार चेक करना ज़रूरी है पूरी कटाई पर टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना गैप बचता है, तो सारी चीज़ चेक कर ली। अलाइनमेंट वैसे तो भाई कंपनी की होके आती है बिल्कुल परफेक्ट है, निकल गई बहुत नज़दीक था मामला हाँ, तो बस वही है एक बार ये चेक कर रहा था अलाइनमेंट की जरूरत है नहीं, वैसे नई गाड़ी में जरूरत तो नहीं होती अर्जुन, मेरे को थोड़ा सा बहम था कि यार स्टीयरिंग थोड़ा सा इधर है, पर अर्जुन कह रहा जी ठीक है इतना कोई ऐसी बात नहीं, ओके रिपोर्ट है, चलो ठीक है फिर डन हो गया, टाइम बच गया हमारा। यार आज हम शोरूम में नहीं घुसे तो तुमने शोरूम की कायाकल्प कर दी, हम तो अपने अलॉयज लेके आए थे साथ में, बाकी अर्जुन भी रखता है भाई महिंद्रा वाले। अर्जुन अपने पास ये महिंद्रा वाले अलॉयज कितने के हैं, 18 इंच स्माइल कर रहा है, नहीं सच बता दे यार आप कितने के देते हैं कस्टमर को, मैं तो देख महंगे लाया हूँ क्योंकि देख मैं तो एजेंसी से लिए हैं, ठीक है भाई इतना वो डिस्काउंट नहीं मिलता जितना तू दे देता है, फिर भी बता दे तो कितने के लाया कस्टमर को भैया जी, हम देते हैं 18 इंच 59 के आसपास, 59,000 के, 59,000 बहुत फर्क है भाई सर, बहुत फर्क है टायर में भी फर्क है, टायर के रेट में फर्क है, तभी तो भाई हम अपना टायर वहाँ से नहीं लिया ना, हमने गुड़गांव से, गुड़गांव वाले क्या करते हैं रेट तो हमारे को नए का लगभग वालों 500 रुपये फालतू करके दे देंगे अर्जुन के रेट से, लेकिन जो पुराने टायर का रेट होता है ना भाई वो बहुत कम लेते हैं। टायर अलग बात है, अर्जुन जैसा आदमी कहाँ से लाओगे। हाँ ये बात तो ठीक है भाई साहब,
देखो ऐसे ऐसे कस्टमर कमाए हैं, मतलब भाई कमाए अर्जुन ने है, अलॉयज तो टायर तो बढ़ाए बढ़ाए हैं पर ऐसे ऐसे भाई कमाए हैं, वाह तो ठा 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 नोट गिन देते हैं। अर्जुन एक बात तो बता दे, 20 इंच क्यों नहीं मंगाता तू है, 20 इंच बता अभी कैमरे के पीछे तो बताओ भाई क्यों नहीं बताता। अर्जुन ये कह रहा है बोला लाल साहब 20 इंच का जो दमखम है ना जो पंजाब के लोगों ने ट्रेंड चलाया था बड़े अलॉयज डालने का, वो बोला अभी इधर इतना ट्रेंड है नहीं, मतलब लोग लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख अलॉयज टायर पे इतना खर्चा नहीं करते, तो वही चीज़ है भाई। इसी वजह से अगर खपत ही नहीं होगी तो दुकानदार भाई अपने अलॉयज ला के क्या करेगा, सर पर दर का तो नाचेगा नहीं। लगभग आपको ना ये रनिंग साइज मिलेंगे सारे, आउट ऑफ द वे वाले बहुत ही ज्यादा कम मिलेंगे आपको, आपको नियो मिल जाएगा, इनको बस बाहर से आता है टोयोटा का हो गया मान लो नियो का, ये देखो डिजाइन मतलब बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो नहीं मिलेंगे आपको जो यहाँ पे नहीं बिकते। बट ऑब्वियस बात है यार बंदा दुकानदार वही चीज मंगाता है मोस्टली जो उसके सेल होने वाले होते हैं। बाकी पेमेंट वगैरह अपनी होगी भाई, हमने एक्सचेंज में दिया 18,000 रुपए, बाकी अर्जुन ने हमारा साथ थोड़ा और प्यार मुलाजा कर दिया अच्छे वाला। ठीक है अर्जुन भाई, भाई ठीक है अलाउ साहब बाय, ठीक है ध्यान रखा कर, अगली बार आऊँ तो कि मैं और नया सा बना पाना चाहिए है, लोग पूछते हैं क्या विक्रम भाई नहीं आता आजकल, अर्जुन कहता वाला कई भाई कहते हैं कि विक्रम भाई नहीं आते क्या, लाड प्यार इनके साथ अलग है और हमेशा रहेगा, ऐसा ना कोई दो चार तो दूसरे यूट्यूबर जो जिन्हें और ये तो आई गई चीज है आपस में गाड़ी घोड़े से नहीं आप यारी दोस्ती करे करते, अरे कोई कहता यूट्यूबर आ गए कह देना और मैं उसका जान भाई कोई बात नहीं, अर्जुन की मारी यारी अलग लेवल की है, टायर टूरा है ना टायर टूरा से ऊपर वाली यारी है। A few moments later. तो अब आगे भाई हम गाड़ी को लेके हाईवे पे, और भाई देखो फर्क पड़ता है टायर चेंज होने में, जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब हम टायर की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो उससे आपको ये स्टेबिलिटी मिलती है, वैसे गाड़ी के डायनामिक्स भाई वैसे भी अच्छे हैं लेकिन एक टायर साइज जब अप हो जाता है तो उससे और भी अच्छे होता है। एक टायर साइज अब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 18 इंच का हमारा अलॉयज आता है कंपनी से उसके अंदर आता है 255/60R18 और हमने इसके अंदर डाला है 265/60R18, तो 18 इंच के हिसाब से इसका एक टायर साइज अप हुआ है, 17 इंच के हिसाब से इसका दो टायर साइज अप हुआ है। अब इसमें हमको सारी चीज़ बेहतर मिलती है, देखो ब्रेकिंग कितनी बढ़िया मिलती है, ये देखो स्टेबिलिटी, और सबसे बड़ा सवाल रहता है कि क्या स्टेयरिंग टाइट हो जाता है, स्कॉर्पियन के केस में तो भाई बिल्कुल भी स्टेयरिंग टाइट नहीं होता, इसका स्टेयरिंग भाई पता नहीं कहाँ से मतलब भगवान ने कौन सी पावर दी थी इंजीनियर्स को कि भाई इसका स्टेयरिंग इतना बढ़िया बनाया ना जितने इसके बाकी सेंसर्स बढ़िया थोड़े से नहीं बने। तो बाकी तो अब तक तो सारी चीज़ ठीक रही है। इस गाड़ी में एक चीज़ और है जो अपनी स्कॉर्पियन को विरासत में मिली है, इसका जो स्टेयरिंग रैक है ना उसमें हल्का सा प्ले है, ये मोस्टली स्कॉर्पियोज के अंदर है, मेरी वाली में नहीं है, किसी की में है किसी की में नहीं है, लेकिन मोस्टली मैंने जिसने सुना ना अगर मान लो 100 स्कॉर्पियन बिकती हैं तो 20 में ये प्ले वाली सिचुएशन आती है, कुछ नहीं हल्का सा इसको एडजस्ट करके टाइट कर देते हैं तो ठीक भी हो जाता है, बाकी एक बार वो मन में वहम बढ़ जाए तो भाई वहम को तो कोई निकाल नहीं सकता। एक चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा रहती है और आप बोलते भी हो कि विक्रम भाई आप टॉप मॉडल वाली लाइट्स क्यों नहीं लगवाते ZH वाली, वो आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट का थ्रो, ये थ्रो है भाई इसकी लाइट का, अब आपने अपनी स्कॉर्पियन का देख ही रखा है, ये देखो ये हाई बीम है और ये देखो ये बंद, ये खाली DRL इसके, ये ऑन फोग लैंप, ये फोग लैंप बंद कर दिया, अभी थोड़ा आगे निकलता हूँ इस गाड़ी की लाइट से, नहीं है कि बिल्कुल अंधेरे में आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म है इसकी लाइट, लेकिन जो होनी चाहिए ना जितनी तेज होनी चाहिए उतनी तेज नहीं है, जो स्प्रेड और थ्रो है ना वो इतना खास नहीं है भाई गाड़ी का, बस गाड़ी का नहीं गाड़ी की हेडलाइट्स का, फटाफट गाड़ी को खींचते हैं भाई और एक और जगह भी तो पहुंचाना हमारे को गाड़ी को, तो वहां पहुंचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। लो जी रात के 9 बजे हम पहुंचे माफिया, तो भाई स्कॉर्पियो अपनी आ गई है AC की हवा में, अभी भाई ये अपना शटर वहां से डाउन कर लेंगे एंड देन भाई अभी गाड़ी का स्टार्ट हो जाएगा डिटेलिंग वर्क, अभी तो खाली इसकी वॉश हुई है एंड भाई उसके बाद अब इसके ऊपर होगा पूरा कंप्लीट PPF होगा भाई, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगेगी और नेक्स्ट वीडियो होगी ना इसी गाड़ी के ऊपर, मैं आपको बताऊंगा कि PPF और रैप का डिफरेंस भी आपको पता लगेगा कैसे होती है क्या होता है, कैसे आप खुद से रैप और PPF में फर्क महसूस कर सकते हैं, खुद पता कर सकते हैं, चाहे मैं वीडियो में दिखाऊं चाहे कोई और भी वीडियो में दिखाए, लेकिन आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं जब आप ये चीज करवाने जाते हो जब आप ये सर्विस लेने जाते हो, ये चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियरली बताऊंगा। इसकी डेट में देख लो यार डिलीवरी हुई एंड देन फिर उसके बाद हम इसके टायर अलॉयज डलवाने के लिए गए, यार बड़े मस्त लगते हैं भाई ये 18 इंच में ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये 265/60/18 क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमारे को 18 इंच से ऊपर अपग्रेड नहीं करना, तो भाई परफेक्ट टायर साइज अपग्रेड है और 18 इंच भी भाई बहुत सफिशियंट है, मैं ये नहीं कहता कि आप 20 इंच ही डलवाओ, मैंने डलवा रखे हैं ठीक है, मैं भी पहले 18 से ऊपर जो कंपनी बिगेस्ट साइज देते उससे एक साइज अप रहता था, जैसे 18 लास्ट देती हम 19 डाले, अब 19 इस PCD में आता नहीं है तो 20 आता है, तो कोई बात नहीं भाई 18 डाल रहे हैं, 18 में देखें कर लेंगे थोड़ी देर में, देखें आगे देखें 18 में 20 में
20 से ऊपर तो कभी नहीं जाऊंगा मैं, और ना ही मैं किसी को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि भाई इससे जो टायर की प्रोफाइल है ना, जो साइड बोल है, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। बहुत हो गया टायर्स का ज्ञान, सारी चीज मैंने आपको बता दी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट।